हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, लैब अटेंडेंट का एडमिट कार्ड आ चुका है। मेरा रोल नंबर कैथड आया है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप निकाल के दिखाऊंगा। यदि आप डायरेक्ट निकालोगे तो एडमिट कार्ड का लिंक वहां पे नहीं है अभी। तो यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपना एडमिट कार्ड तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। यह है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप जो आपको आपकी जॉब की तैयारी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एजुकेटर हूँ, हर रोज़ करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाके इस ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। तो अब आपको दिखाते हैं एडमिट कार्ड आपका कैसे निकलेगा। तो दोस्तों, HSC की ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल पर, क्रोम ब्राउज़र में यूज करिए, आपको निकालने में आसानी होगी। यहाँ पर HSC की ऑफिशियल वेबसाइट ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइट ओपन हो चुकी है, आपको नीचे लेके आना है। तो यहाँ आप पाओगे एडवर्ट, क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट 11/2017, आपको इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल लीजिए जो भी आपका है। तो मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद में जो आपका पासवर्ड है वो एंटर कर दीजिए यहाँ पे। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके जो प्रिंट आउट मिला था आपको उस पर मिल जाएगा। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके वो निकाल सकते हो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे वो मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो साइन इन पर क्लिक कर दिया है, अब साइट ओपन हो रही है। अभी दिखाते हैं आपको आगे क्या दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहीं भी एडमिट कार्ड का लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड का लिंक आता है, डाउनलोड एडमिट कार्ड का, आपने देखा भी होगा, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी। तो अब आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, तो दोस्तों एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो लिंक आपको यहाँ पर कॉपी करनी है। जहाँ पर आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हो यहाँ पर आपको वो लिंक कॉपी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ, इसको हटा देते हैं और नया एड्रेस जो लिंक है उसको कॉपी कर देते हैं। उसके बाद में जो आप ये दिखाई दे रहे हैं 503 और डिड लिखा हुआ है, आपको इसको रिमूव कर देना है, इसको केवल इसको हटा देना है, ठीक है। और जो ASPX है और जो क्वेश्चन मार्क का निशान है वहाँ तक रख लेना है इसको। तो यहाँ हटा देता हूँ इसको। उसके बाद इस साइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारा डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। ये मेरा फॉर्म नंबर है, ये मेरा नाम है, ये कैटेगरी है और लेबोरेटरी अटेंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यदि डायरेक्ट आप चेक करोगे तो आपका ये नहीं मिलेगा लिंक आपको कहीं भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एडमिट कार्ड निकल चुका है मेरा। ये मेरा फोटो आपको दिखाई देता होगा, पहचान भी रहे होंगे आप मुझे। और ये मेरा एड्रेस है जहाँ मेरा पेपर होने वाला है, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ यदि होता है तो, ठीक है। तो ये है दोस्तों मेरा एड्रेस और 30 तारीख को एग्ज़ाम है। एग्जामिनेशन टाइम मेरा 3 बजे है, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में मेरा पेपर है, जाट कॉलेज करनाल रोड कैथल, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ कैथल आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, यदि कोई भाई मिलना चाहता है तो मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।